जौनपुर के केराकत तहसील क्षेत्र के पेसारा गांव में एक निजी कार्यक्रम में आए पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने की प्रेस वार्ता में कहा कि सीएए पर सरकार न तो बैकफुट पर है, न थी और न रहेगी। सीएए सरकार का सोचा समझा फैसला है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में बाकायदा इसका उल्लेख है, जिस पर जनता ने सरकार को बहुमत दिया है। सीएए पर सरकार ना तो बैकफुट पर है, ना थी और ना रहेगी। जो लोग विरोध कर रहे हैं वह या तो समझ नहीं रहे हैं या किसी स्वार्थ के चलते विरोध में लगे हुए हैं। बुधवार को ग्राम पेसारा में एक निजी कार्यक्रम में आए पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने उक्त बातें कही। तन विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जारी है, क्या इस पे सरकार बैकफुट पे आ सकती है? ये सोचा समझा हुआ सरकार का फैसला है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात को बहुत प्रमुखता से कहा था। देश की जनता ने इसके लिए हमें जनादेश दिया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं मुझे लगता है कि या तो समझ नहीं रहे हैं या नीच स्वार्थ के चलते विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस एजेंसी को अमेंडमेंट एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका विरोध किया जाए। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि हमारे जो तीन पड़ोसी देश हैं वहां के वे अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से जिनका उत्पीड़न किया गया उनको नागरिकता देने के विशेष प्रावधान के लिए बनाया गया कानून। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई विरोध करने की गुंजाइश होनी चाहिए, और अगर किसी को कोई संदेह तो बात कर सकता है। यानी इसमें सरकार बैकफुट नहीं आ सकती? सरकार बैकफुट तो न थी न है न रहेगी। सर, दिल्ली करारी हार पे किसका ठिकरा, किसके ऊपर? चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि 2015 विधानसभा चुनाव से 8% ज्यादा वोट हमें मिला है। हम अपनी विचारधारा की स्वीकार्यता के लिए भी लोगों के बीच जाते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचे, चुनाव एक माध्यम होता है। हार जीत के कई कारण होते हैं, हम उसका मूल्यांकन करेंगे और जो सुधार की गुंजाइश होगी। आपका कुछ मतलब से हार में पीछे क्या कारण हो सकता है? संगठन का या कुछ नेताओं का बड़ बोलापन या जिसे कोई कारण नहीं, जिसे कहा कि कुछ हमारे नेताओं ने बड़ बोलापन कर दिया? अमित शाह जी की राय, मैं उसमें कोई कारण अभी तलाश नहीं रहा हूँ। जब समीक्षा होगी तो इस पर जरूर चर्चा करेंगे। यूपी के बजट पर क्या कहेंगे जो अभी गवर्नमेंट का बजट? मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक बजट है उत्तर प्रदेश का, और इस आकार का बजट